काम वैसे घर पे नहीं करना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लेंगे एक लोगो, क्लिक करेंगे 300x300 पे, क्लिक करेंगे यहाँ से एक सर्किल का शेप हम ले चुकेंगे। उसके बाद इसको अंदर से खाली कर देंगे, ठीक है। इसको हम 2 पॉइंट पर रख लेते हैं, 2 पिक्सल, 2 पॉइंट, जो भी रखना चाह रहे हैं, इंसर्टर कर दिए यहाँ पे, क्लिक कर दें। उसके बाद इसका एक डुप्लीकेट ले लेंगे आप यहाँ से क्लिक करके, ये देखिए डुप्लीकेट आ गया। फिर हमने क्या करना है, जो डुप्लीकेट आ गया है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक टेक्स्ट टूल लेंगे, तो यहाँ से हमने एक टेक्स्ट टूल ले लिया, टाइप ऑन अ पाथ, जो इसके इसके सरफेस पे लिखेगा, क्लिक किया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने टाइप करना शुरू किया। लिखने के बाद हमने यहाँ से कंट्रोल ए किया, सिलेक्ट ऑल किया, फॉन्ट के साइज को थोड़ा बढ़ा दिया, 14 पे कर दिया, और आधा सर्किल ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इतना ही काफी है। उसके बाद आप थोड़ा सा गौर से काम लेना है, अपने गौर के साथ काम ये लेना है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो मूव टूल पे, तो यहाँ पे क्लिक करने पे आपको ये कुछ लाइनें नजर आ रही होंगी। लाइंस कहाँ नजर आएंगी ये देख लें, एक ये लाइन दिख रही होगी ब्लू कलर की, एक इसके बराबर में, ये इसकी स्टार्टिंग लाइन है और ये इसकी एंडिंग लाइन है। एंडिंग लाइन को पकड़ के इसके एंड पे सेट कर दें, और इसकी जो ये मिड लाइन है इसको पकड़ के ऐसे सीधा कर दें, ठीक है। ये इस तरह से आपको नजर आएगा, सही है, समझ में आ गई बात, ये ऐसे ही करना चाह रहे थे, ये आ गया। यहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट्स के साथ रख दें इस तरीके से, ताकि अगर और कुछ सेंटर वगैरह करना है तो ये हो जाएगा, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया आपके पास, ठीक। अब आप क्या करेंगे, ये वाला सर्किल का एक और डुप्लीकेट ले लेंगे, इस वाले सर्किल को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है, और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको बेस बनाएंगे, इसको करेंगे लेफ्ट राइट, और ये हो गया सेंटर, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इस सर्किल का एक और डुप्लीकेट ले लेंगे और उसको थोड़ा सा कर देंगे अपने साइज से छोटा, और उस पर क्लिक करेंगे फिर इसके ऊपर, और उसका शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करेंगे, इसको बेस बनाएंगे और उसको करेंगे लेफ्ट राइट और सेंटर। अगर बहुत छोटा हो गया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसको दोबारा से यहाँ से क्लिक करके ऐसे बड़ा कर सकते हैं, सही है। काम देख लिया आपके कितने अच्छे तरीके से हो गया। अब बीच वाले सर्किल पे क्लिक करेंगे, इस सर्किल को थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, और इसकी एक डुप्लीकेट भी कर लेंगे, यहाँ पे एक डुप्लीकेट रख लें, और इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा और छोटा कर लें, ठीक है। क्लिक करें यहाँ पे और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करें, उसके बाद इस पर बेस बनाएं, बेस बना के लेफ्ट राइट और सेंटर करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, जैसे कि इस तरह से नजर आए, ये एक तरह से बन गया। अब आपने इसके अंदर चांद कैसे बनाना है, चांद बनाने का तरीका बहुत आसान है, जो कायदा अजम ने हमें, मेरा मतलब है जो हमें आता है बनाना, कैसे करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे शिफ्ट के साथ, इस पर क्लिक करेंगे और इसको बेस बनाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ से क्लिक करके बेस बनाएंगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर करेंगे। अभी एक सर्किल के ऊपर दूसरा सर्किल है, देखिए चांद ऐसे बन जाएगा, इसमें से पता भी नहीं चलेगा, बच्चों वाला चांद अगर बनाएंगे। अच्छा, एक तरीका तो ये कि बाकायदा हम चांद बना दें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस वो चांद का शेप ही बन जाएगा फिर। इस सर्किल को जो इसके ऊपर रखा हुआ है ना, दोनों सर्किल आ गए, ओके दोबारा इधर भेजते हैं। ये दोनों सर्किल हम सेलेक्ट करेंगे, ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल, दोनों सर्किल हम सेलेक्ट करेंगे, दोनों सर्किल को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर कर देंगे। फिर एक सर्किल को जो ऊपर है उस पर क्लिक करके ऐसे डाउन एरो दबा के नीचे लेकर आएंगे। अब कितना बड़ा चांद बनाना है ये आपके ऊपर डिसाइड करता है, इतना बड़ा सही चांद। अब जैसे इतना बड़ा चांद बना लेंगे तो ये हम इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ रख लेते हैं उठा के, ठीक है, ताकि ये भी काम में आएगी। अब इस पर क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे शेप बिल्डर लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे करके डिलीट कर देंगे। ये देखिए नाजरीन, बच्चों वाला चांद आपके सामने आ गया, ठीक। ऐसे करके चांद बना लें, अगर आपको और अच्छा चांद बनाना है तो क्लिक करते हैं शिफ्ट के साथ और इसके साथ इसको सेलेक्ट कर लें, इसको बेस बनाएं और इसको करें लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर, ये से आ गया। फिर इसको क्लिक कर लें शिफ्ट के साथ, इस पर क्लिक करें, फिर इस पर क्लिक करके बेस बनाएं, इसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर कर दें, ये देखें चांद आ गया। अब सेंटर नहीं करना, इसके टॉप पर रखना, तो इसको क्लिक करें, इसको बेस बनाएं इसको, बेस बना के इसके टॉप पर सेट कर दें, तो ये देखिए चांद भी साथ साथ नजर आ रहा है, मेरा मतलब आ गया है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अभी चांद भी बन गया, सर्किल भी बन गया, अब बीच में एक डिजाइन डालना है। वो डिजाइन कौन सा है भाई, कौन सा डिजाइन डालना है, क्या डिजाइन है, वो देखें कैसे बनेगा। पेन टूल लेंगे, क्लिक करेंगे, कुछ भी नहीं करना आपने, बस एक ऐसे निशान लगाना है, दूसरा ऐसे निशान लगाना है, ठीक है। जैसे निशान लगाया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, दोनों को सेलेक्ट किया, और इसको पहले ऊपर वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दिया, और फिर इसको सिलेक्ट कर दिया, कन्वर्ट टू कर्व कर दिया, ये लीजिए आपके सामने इस तरह से एक बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस डिजाइन को बनाने के लिए सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से एक रिफ्लेक्शन टूल लेंगे, रिफ्लेक्शन टूल लेके ऑल्टर के साथ इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉपी ले लेंगे, फिर इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, दोनों टूल्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर एक और रिफ्लेक्शन टूल लेंगे
और इसके बेस फ्रेंड पे क्लिक करके इसका वर्टिकल नहीं है हॉरिजॉन्टल ले लेंगे, तो यहाँ से क्लिक करके इसकी भी एक अदद कॉपी ले लेंगे। ये डिज़ाइन देखिए आपके सामने बन के आ गया है नाजरीन। अब आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे पहले ये वाले दो एंकर को सेलेक्ट करेंगे, इनको पहले एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने से इनके जो किनारे हैं वो एक साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है, अगर दूर दूर हुए तो। ये देखिए उसके बाद इनको ज्वाइन करेंगे, दोनों को सेलेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ज्वाइन कर दिया, दोनों को सेलेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को सेलेक्ट किया। इसकी एक शॉर्ट की भी है ज्वाइन और एवरेज की, ये इसको थोड़ा कम कर लें, शिफ्ट के साथ थोड़ा इसको बढ़ा लें। ये देखिए कितना बेहतरीन किस्म का टूल आपने निकाला है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस वाले सर्किल पे क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करना है, फिर इसको बेस बनाना है। बेस नहीं बना, क्लिक करा शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करा, फिर इसको बेस बनाना है और इसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर में डाल देना है। क्लिक करके शिफ्ट के साथ इसको अल्टर के साथ चारों तरफ बढ़ा देना है ताकि ये ऐसे बन जाए। अब आपने बनाना है इसके ऊपर एक अदद चांद के ऊपर सितारा बनाना है, जो सितारा इसके साथ बनेगा वो नजर आना है, ठीक है। तो क्लिक करके थोड़ा इसको ले जाके इस पर जोड़ देते हैं, ये देखिए इसके साथ जुड़ गया। अब स्टार बनाना है आपने, तो स्टार कैसे बनेगा भाई, यहाँ पे बना बनाया स्टार हमें मिलता है, क्लिक करेंगे यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबाएंगे और ये स्टार बना गया। स्टार बनने के बाद आपने क्या करना है, स्टार को लेकर आना है। स्टार कुछ ऐसा बनेगा कि वो यहाँ पे लगेगा और जाके ऊपर वाले नॉच पे टच करेगा जाके, तो इस पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा जूम करके काम करेंगे ताकि हमें सही तरह नजर आए। तो यहाँ पे क्लिक करके इसके बिल्कुल नॉच पे लाके हमने स्टार को बिठा दिया, चांद के साथ सितारा आ गया, लेकिन थोड़ा स्टार बढ़ा है, तो स्टार को थोड़ा छोटा करने के लिए अब यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा और छोटा किया, थोड़ा सा और छोटा किया, आई थिंक अब सेट हो गया स्टार और यहाँ पे लाके हमने बिठा दिया। ओके, नॉट तो उसके ऊपर लग गई, लेकिन इन वाले नमूनों का क्या करेंगे, अब इन वाले नमूनों को इसके साथ हम ऐसे सराउंडिंग में डाल देंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको हम देंगे कन्वर्ट टू कर्व, ये ऐसा हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू कर्व करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, वो वाला सही है। तो यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा थोड़े से उसके कोने हैं, पहले थोड़े कम कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ये देखें थोड़ा सा कोने इसके जो है कम हो गए, ताकि वो कोने इधर उधर निकल रहे थे वो कंट्रोल हो जाए। अब इस पर क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, ये कर्व बन गया, ठीक है। तो इसको घुमाएंगे, हैंडल को यहाँ से पकड़ के कुछ तरीके से घुमाना है, ये ऐसे घुमाना है और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देना है, ठीक है। और इस वाले हैंडल के साथ भी यही नमूना करना है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि यार ये वाला नमूना मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे टेंशन हो रही है, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप इसको यहाँ से डिलीट करें एंकर को, फिर इस एंकर को यहाँ से डिलीट करें, फिर इस एंकर को यहाँ से डिलीट करें, फिर इस एंकर को यहाँ से डिलीट करें, क्योंकि ये स्टार है 50% शेप जैसा है वैसे ही होगा। तो इसका क्या ले लेंगे, ऑल्टर के साथ एक अदद रिफ्लेक्शन ठोक देंगे हम यहाँ पे, मेरा मतलब ले लेंगे, कॉपी करेंगे, तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट दूसरी साइड खुद ही निकाल के दे देगा। ये ट्रिक आप ज़्यादा आसान है अगर आप लेना चाहें तो। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करके इसका दूसरा एंकर भी सिलेक्ट करना। अब यहाँ पर आपको जो टेंशन आएगा ना, ये वही फिल्म में जो टेंशन आया था हीरो को, वही वाला टेंशन है। ये दोनों एंकर आपको कंट्रोल वाई करने पे, देखें कंट्रोल वाई दबाएंगे ये ग्राफिक्स व्यू आ गया, कंट्रोल वाई दबाएंगे ये आउटलाइन व्यू आ गया। आउटलाइन में ये दोनों एंकर आपने यहाँ सेलेक्ट करने हैं, फिर इनका आपने क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज कहाँ है भाई, ज्वाइन भी नहीं आ रहा, एवरेज भी नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, फिर कंट्रोल वाई दबाते हैं, फिर देखते हैं एवरेज आ रहा है, ज्वाइन आ रहा है, नहीं आ रहा है, आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है। कंट्रोल वाई दबाते हैं दोबारा से, क्यों नहीं आ रहा है, चेक करते हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, हालांकि वैसे तो जुड़ा हुआ ही है यार ये, फिर भी शक सा हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों को एवरेज करके ज्वाइन कर दें। दिख रहा है कहीं एवरेज ज्वाइन, कहाँ है, एक्टिवेट ही नहीं हो रही कमांड, इसका मतलब दोनों सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये वाला भी सेलेक्ट करना है, ये वाला भी सेलेक्ट करना है। अब आया एवरेज, लेकिन वो कह रहा है ये दोनों सुराख तुम्हारे सेलेक्ट नहीं हुए हैं, क्या कर रहे हो बबुआ, अभी भी नहीं दे रहा, थोड़ा मामला संगीन हो गया है, लेकिन इसको फिर देखना संगीता से थोड़ा चेक करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह के मामला होंगे। अब देखो यहाँ पर ये वाला नमूना हमें देखने को मिल गया है, ये हो जाएगा काम हमारा, ये लिया इसको और शिफ्ट के साथ ये लिया इसको और निकालेंगे अब एवरेज। तो जैसे ही एवरेज निकाल रहा है बोलना मना कर रहा है कि ये दोनों को अलग अलग सेलेक्ट करो। अब दोनों को लिया है, अब देखते हैं एवरेज, अब दे नहीं रहा एवरेज का, संगीता से काम करना पड़ेगा, थोड़ा गंभीरता है, संगीरता है,
आया तो है, थोड़ा सा दूर करता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ, और इसको क्लिक करके शिफ्ट के साथ फिर इस पे क्लिक करता हूँ। अब देखता हूँ एवरेज आ गया, ठीक है अभी खुद ही सही कर लेगा फिर इसको ज्वाइन करा दे, ये ऐसे मान रहा था, ठीक है तो जो जैसे मान रहा है उसको वैसे मनवा दे आप। ठीक, तो इस पे भी आप ये वाला नमूना कर दें कि पहले बोले अच्छा अंकल आपकी मर्जी नहीं मान रहे तो थोड़ा आगे हो जाओ, फिर दूसरे वाले का सिलेक्ट करें, फिर इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करें, फिर एवरेज निकाल दें, फिर बहुत कर दें, फिर ये खुद ही सेट कर लेगा, फिर ज्वाइन करा दें। तो भाई जैसे ये मान रहा है वैसे आपने करना पड़ेगा, और ऐसे करके आपका ये स्टार सेट हो जाएगा, और यहाँ पर से आपने इसको थोड़ा सा नीचे ला के इसके साथ टिका दे रहा है, ठीक है बस सही इस पे टिक गया। तो ये देखिए नाजरीन, ये चांद सितारा और ये दोनों चीजें आपकी बन गई। सही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा अब ये तो बन गया आपका सर्किल का डायग्राम, जो चांद सितारा बन गया, ये थोड़ा ऊपर चला गया ज्यादा, तो इसको थोड़ा सा हम नीचे लाते हैं, ऐसे शिफ्ट के साथ ही नीचे ले आया हूँ। और अगर इस पर थोड़ा आपको अच्छा लग रहा है बड़ा करना तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं, तो और बड़ा कर लें ताकि ऊपर नीचे टच करे तो और मजा आएगा, ठीक है ना? तो ये इस तरह से बना लें। तो ये देखिए ये आपके लोगो का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो गया, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है ना, अब इसके अंदर बनाना है एक अदर कंप्यूटर, वो आप खुद बनाएंगे, इसके अंदर तस्वीर नहीं लगानी, बना के लगाना है कंप्यूटर। हाँ शेप से बनाओ, कैसे भी बनाओ। ये देखें ये बनाया था, और ये कितना अच्छा बना है, इससे सही लग रहा है। ठीक है अच्छा, अब अगर आपको लग रहा है कि यार ये नाम पूरे पे राउंड पर आए ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, आधा हिस्सा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने इसे डबल क्लिक करना, टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, फॉन्ट के साइज को बढ़ा देना है। जैसे ही फॉन्ट के साइज को बढ़ाएंगे तो यहाँ रेड लाइन आ जाएगी, रेड लाइन आएगी तो इस रेड लाइन को यहाँ से पकड़ना है और इस पे से चलाना है आगे तक जहाँ तक ये खत्म ना हो जाए। ये आ गया यहाँ पे, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पर आ गया, दोबारा से पकड़ेंगे यहाँ से और इसको दोबारा ले जाके ऐसे सेट कर देंगे आप। और नाजरीन बेगैरती की हद हो गई, सेंटर पॉइंट कहाँ चला गया इसका, ये स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट नीचे चला गया। अच्छा चले कोई बात नहीं, ये एंड पॉइंट है सेंटर पॉइंट है, ठीक है यहाँ नीचे ले जाते हैं, इस वाले सेंटर पर छोड़ देते हैं। तो अब कुछ ज्यादा बेहतर लग रहा है, ये सही है ना? अब सही लग रहा है। इस तरह से आपने कोई भी लोगों की शुरुआत करनी है, बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और उसके बाद उसको आगे तक करते चले जाना है। पहले आप इतना बना ले, मैं तो पूरा ही भेज रहा हूँ, खुद ही बना देना पूरा बने, नहीं तो फिर बाकी हिस्सों पे काम करेंगे। ठीक